कुछ दिन पहले लावा ने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च किया था जो एक स्लाइडर फ़ोन था। अब सैमसंग फ्लिप फ़ोन लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पहले हम फ्लिप फ़ोन यूज़ करते थे, अब सैमसंग उसको वापस लेके आया है। इसमें दो रियर कैमरा है और दो फ्रंट कैमरा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप जोदानी और आप देख रहे हैं सोशल लाइव 11। सैमसंग ने अपना W2019 में लॉन्च करने की सोच रखी है। जी हाँ दोस्तों, अगले साल ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। इसमें दो डिस्प्ले हैं और दो रेयर कैमराज हैं। यह फ़ोन एक फ़्लिप फ़ोन है। हम पहले फ़्लिप फ़ोन यूज़ करते थे जिसे हम फोल्डर फ़ोन भी कहते थे। यह फ़ोन फ़्लिप हो जाता था और फ़ोन बंद हो जाता था, काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन लगता था। अब सैमसंग इसे वापस लेके आया है। इसमें दो डिस्प्ले रहेंगे। सैमसंग ने कोरिया में W2019 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये इंडिया में भी 2019 में ही आएगा। इस हैंडसेट की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है। ड्यूल सिम के साथ ये फ़ोन 2.4 इंच के दो फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 6GB तक का रैम दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें दो रेयर कैमरा दी गई है। प्राइमरी कैमरा 12 MP की है और सेकेंडरी कैमरा भी 12 MP की है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 MP की कैमरा दी गई है। यह 128GB स्टोरेज के साथ आता है। माइक्रो SD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512GB तक का बढ़ाने का कंपनी दावा कर रही है। यह 8.1 एंड्रॉयड ओरियो पे चलता है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इस फ़ोन में 3070mAh की बैटरी दी गई है जो काफ़ी हद तक अच्छी है। जो यह फ़ोन सिंगल चार्ज पर 280 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देता है। फिलहाल ये फ़ोन कोरिया में अवेलेबल है, वहाँ पे लॉन्च हुआ है। इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है, पर इंडिया में इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी वो भी अभी तक हमें पता नहीं चली है। सैमसंग ने अपने इस फ़ोन से तो पर्दा उठा दिया है, पर इसके प्राइसिंग की बात अभी तक नहीं बताई है। काफ़ी अच्छी बात है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। हम 512 का SD कार्ड लगाकर इसे एक्सपांड कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 कैमरा है। फोटोग्राफी के लिए दोनों 12 MP के कैमरा रेयर में दिए गए हैं। अच्छी बात है। अब हमें इंतजार रहेगा कि इंडिया में ये फ़ोन कब लॉन्च होता है। मेरे ख्याल से तो ये जनवरी या फरवरी के महीने में लॉन्च हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।